नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई जानकारी वाली वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, आजकल की लगभग जितनी भी गाड़ी आ रही है उनमें कंपनी आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम देती है या इंजन स्टार्ट स्टॉप सिस्टम देती है, ऑटोमेटिकली इंजन ऑफ या ऑन हो जाता है। तो ये जो सिस्टम होता है दोस्तों, फ्यूल को बचाने में काफ़ी मदद करता है, स्पेशली जब आप अपनी गाड़ी को ट्रैफिक में चला रहे होते हैं और रेड लाइट पर जैसे ही आपकी गाड़ी खड़ी होती है और गाड़ी का जो गियर है वो आप न्यूट्रल पोजीशन में लाते हैं, वैसे ही आपकी गाड़ी का इंजन ऑफ हो जाता है और जैसे ही आप क्लच पेडल को प्रेस करते हैं तो इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो ये जानकारी लगभग सभी को है और जो लोग इस तरह की गाड़ी चला रहे हैं जिसमें आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम दिया गया है तो उनके साथ एक प्रॉब्लम आ रही है, वो ये आ रही है कि ये सिस्टम कभी कभी काम नहीं करता। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपकी गाड़ी में ये स्विच यहाँ पर दिया होता है, कुछ गाड़ियों में अलग अलग पोजीशन पे दिया होता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये जो साइन आप देख रहे हैं ना आइडल ऑफ का, तो ये जो साइन है ना दोस्तों, ये जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी शो होता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, देखिए तो यहाँ पर जो है आपकी गाड़ी में ये शो होता है, तो इस तरह का साइन होता है। तो आप इस बटन के माध्यम से इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो मैंने इसको जो है अभी ऑफ किया था, अभी ऑन कर दिया। जैसे ही मेरी गाड़ी जो है कहीं खड़ी होगी उसके बाद जो है ये काम करने लग जाता है। जैसे कि मैंने अभी जो गाड़ी है वो यहाँ पर खड़ी करी है तो आप देख पा रहे होंगे गाड़ी का इंजन स्टार्ट है, एसी भी चल रहा है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसको लेके बहुत सारे लोग परेशान हैं और कई कंडीशन में देखा गया है कि ये सही से काम नहीं करता है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि ये किस कंडीशन में काम करता है। स्पेशली जो मारुति की गाड़ियाँ हैं उनमें कुछ जो है चीज़ें हैं जो कि फॉलो होना ज़रूरी है, अदरवाइज ये सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं करेगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों, मैं आपको डिटेल में यही बताने वाला हूँ कि ये जो सिस्टम है किस कंडीशन में काम करेगा और किस कंडीशन में काम नहीं करेगा। स्पेशली मैं ये बताऊँगा आपको कि किस कंडीशन में काम नहीं करेगा, तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि किस कंडीशन में ये काम नहीं करेगा और किस में करेगा। सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आपने ये जो स्विच है ना इसके माध्यम से इसको ऑफ कर रखा है, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ, मैंने ऑफ कर दिया तो यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ऑफ लिखा हुआ आ गया है, तो अब जो है ये सिस्टम काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो अगर आपने यहाँ से जो स्विच है इसको ऑफ किया हुआ है तो फिर जो है ये काम नहीं करेगा, पहली चीज़ तो ये है। इसके बाद अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ है तो भी ये काम नहीं करेगा, तो सीट बेल्ट को लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज ये सिस्टम काम नहीं करता है, ठीक है ना। इसके बाद अगर आपकी गाड़ी में एयर कंडीशनर ऑन है और आप सोच रहे हैं कि गाड़ी जो है अपने आप बंद हो जाएगी, तो कुछ कंडीशन में ये काम नहीं करेगा, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर टेम्परेचर 18 पे सेट किया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। तो अगर गाड़ी का एसी चल रहा है, आपकी गाड़ी में अगर ऑटोमेटिक एसी है, तो फिर क्या होगा दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का अंदर का केबिन का टेम्परेचर अगर 18 डिग्री पे नहीं है तब भी जो है ये काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर 18 डिग्री टेम्परेचर केबिन का नहीं है और इंजन ऑफ हो जाएगा तो केबिन का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जब इंजन स्टार्ट होगा तो उस दौरान जो है और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्यूल लगेगा। तो ये जो सिस्टम है काफ़ी स्मार्टली जो है डिजाइन किया गया है, प्रोग्राम किया गया है, तो जब तक आपकी गाड़ी का एसी चल रहा है, अंदर का टेम्परेचर अगर उतना नहीं है जितना आपने सेट किया हुआ है या फिर आपने केवल फैन चला रखा है, तब भी जो है ये सिस्टम काम नहीं करता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और आपकी गाड़ी में अगर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है तब भी जो है, अगर आपकी गाड़ी में फ़ैन केवल आपने चला रखा है, एसी को ऑफ किया हुआ है, तब भी ये सिस्टम काम नहीं करेगा। इसके बाद अगली चीज़ जो है वो ये है कि जैसे ही आप गाड़ी को स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हैं तो कम से कम आपकी गाड़ी की जो स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर की होनी चाहिए, उसके बाद जब आप गाड़ी को रोकेंगे तभी ये सिस्टम काम करेगा। मान लीजिए मैं गाड़ी को आगे पीछे कर रहा हूँ यहीं पर और मैं सोचूँ कि अपने आप जो है गाड़ी बंद हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। साथ में आपकी गाड़ी में अगर स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम है तो आपको पता होगा कि इसमें एक्स्ट्रा बैटरी दी जाती है, जो कि यहाँ पर जो है उसका जो परसेंटेज वो शो होता है, ये आप देख रहे हैं मोबाइल की तरह। अगर ये बैटरी डाउन होती है, जो कि आपको पता है कोपैसेंजर सीट के नीचे लगी होती है लिथियम बैटरी, तो फिर जो है ये सिस्टम काम नहीं करेगा। अब इसके बाद एक चीज़ और आती है कि अगर आपने गाड़ी को ब्रेक लगा के नहीं रोका है, मान लीजिए मेरी गाड़ी की स्पीड बहुत स्लो हो गई है और गाड़ी अपने आप रुक गई है और आपने ब्रेक पेडल को नहीं दबाया है, तो फिर जो है आपकी गाड़ी का ये सिस्टम जो है काम नहीं करेगा। यानी ब्रेक लगाकर गाड़ी को बिल्कुल जीरो की स्पीड में रोकना ज़रूरी है, अदरवाइज ये सिस्टम काम नहीं करता है, ठीक है। या फिर आपने जो है गाड़ी को रोक लिया है और क्लच दबा के रखा हुआ है और गाड़ी को न्यूट्रल नहीं किया, तब भी ये सिस्टम काम नहीं करता। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये सिस्टम कभी कभी काम नहीं करता और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी गाड़ी में लगा हुआ ये सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहा है, अपने आप गाड़ी का इंजन स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है।
तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी और आपका जो डाउट था वो भी क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।